नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। आपको दोस्तों पता भी होगा, आपका जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है प्रेफरेंस वाला एचएससी कलर्क वालों के लिए। आपको दोस्तों फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप जरूर करोगे, आपको वो नहीं करनी है, तो भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप एचएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप एकदम रियल से जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे आके लॉग इन। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉग इन वाला, यहाँ पे मैं लॉग इन पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने गाइस यहाँ पे क्लिक कर लिया लॉग इन पे। एंड गाइज यहाँ पे देखिए लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको अपना जो लॉग इन आईडी आराम से भर लेना, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, और पासवर्ड भी एकदम सही भरिएगा। अगर अपना पासवर्ड आप भूल गए हो तो भाई यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड, आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी पता कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार लॉग इन आईडी भर लेता हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों अपनी लॉग इन आईडी आराम से फिलअप कर लेनी है, तो यहाँ पे आके एंड गाइज जो पासवर्ड है भाई ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड अपना मतलब कि अच्छे से भरिएगा, पासवर्ड रॉन्ग ना डालें। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे गाइस साइन इन। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। और गाइस यहाँ पे देखिए आवेदन का नाम एप्लीकेंट नेम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वेलकम, यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है गो टू डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। आपको दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे गो टू डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर लिया प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे। तो गाइस एक सेकंड रुकिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली जो आपका पेज है ओपन हो चुका है। आपका दोस्तों जो पेज देख रहे हो ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एप्लीकेंट नेम मिल जाएगा, जेंडर मिल जाएगा, आपको रोल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो एससी ओबीसी जनरल आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपकी डीओबी क्या है वो भी आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हो। और गाइस ध्यान दीजिएगा आपके जो डिपार्टमेंट है भाई यहाँ पे दिए गए हैं, और आपके जो टोटल डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लास्ट डिपार्टमेंट आपका दोस्तों है सिविल एविएशन वाला। आपका दोस्तों 81 डिपार्टमेंट दिया गया है। अब की बार कई कह रहे थे कि 103 डिपार्टमेंट होंगे, ऐसा नहीं है भाई, अब की बार आपके 81 डिपार्टमेंट दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। आप दोस्तों जो भी फर्स्ट में 10-15 डिपार्टमेंट भरोगे आपकी जो मतलब पोस्टिंग है उनमें से हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अपने जो डिपार्टमेंट आप चूज कर रहे हो फर्स्ट में आप वही भरे जिसमें आप जाना चाहते हो। जो भी आपके सीनियर हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनकी भी राय लें आप, तभी अपना फॉर्म अच्छे से भरें। दोस्तों आप ये काम मत करें कि YouTube पे अपने वीडियो देखा और अपने फॉर्म फिलअप कर दिया। गाइस देखिए जो भी YouTube वाले, मैं खुद बता रहा हूँ यार एक्सपीरियंस अपना, जो भी YouTube वाले और भी हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। अब ये नहीं भाई कि मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करके आया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। हम बस मतलब कि कहीं से जानकारी इकट्ठी करके आपको नॉलेज देते हैं, मतलब बताते हैं कि हाँ भाई आपको ये डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। आप दोस्तों अपने सगे संबंधी, आपको कोई सीनियर हो उससे भी आप राय ले सकते हो। हम ये नहीं कहते बिल्कुल आप हमारे अकॉर्डिंग ही चलो। तो भाई ध्यान दीजिएगा आपकी लाइफ का सवाल है, आप अपने पूरी मतलब पूछताछ करके ही अपना डिपार्टमेंट चूज करें तभी आप भरें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो जो कि डिपार्टमेंट दिए गए हैं, काफी बेहतरीन डिपार्टमेंट है भाई आपके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11वें नंबर पे चीफ सेक्रेटरी वाला, भाई आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है। अगर आपके नंबर दोस्तों कट ऑफ से 4-5 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, आप प्लीज दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट देख रहे हो चीफ सेक्रेटरी वाला, इसे फिलअप करना मत भूलिएगा। अगले नंबर दोस्तों बात करें हम 10वें नंबर पे, फ्रेंड्स देखिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। अगर आप दोस्तों भिवानी के साइड बिलोंग कर रहे हो, भिवानी के आसपास आपका गांव है, तो आप इस डिपार्टमेंट को फिलअप कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट डिपार्टमेंट रहने वाला है। दोस्तों 3 नंबर पे बात करें हम एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिस, काफी बेहतरीन डिपार्टमेंट है दोस्तों आपका ये भी। अगर आप चाहो इसको भी फिलअप कर सकते हो। मैं आपको दोस्तों 10-15 डिपार्टमेंट बता देता हूँ जिसको आप फिलअप करके आप आराम से जॉब कर पाओगे, आपकी जो पोस्टिंग है बहुत जल्दी हो जाएगी, प्रमोशन भी, और आपकी सैलरी भी बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी इसमें। दोस्तों अगले नंबर पर बात करें हम डीजी पुलिस वाला डिपार्टमेंट, दोस्तों काफी बेहतरीन डिपार्टमेंट है आपका डीजी पुलिस वाला। पुलिस के अंडर में आपको कलर का काम दिया जाएगा, आपकी दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट बनेगी। एंड गाइज अगर आप दोस्तों चाहो तो डीजी पुलिस वाला भी भर सकते हो, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों 28 पे फूड एंड सप्लाई। आप दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट देख रहे हो फूड सप्लाई वाला फिलअप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, आप इसको भी जरूर फिलअप कीजिएगा अगर आपके नंबर कट ऑफ से 4-5 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं। बात करें गाइस 24 पे एक्साइज एंड टैक्सेशन फील्ड ऑफिस, गाइस आपका काफी अच्छा डिपार्टमेंट, बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है एक्साइज टैक्सेशन वाला, आप इसको भी फिलअप कर सकते हो, आपको गाइस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉब करते वक्त। आप दोस्तों ये नहीं कहोगे सर ने हमें यूट्यूब पे बताया था कि हमें ये ऑफिस भरना चाहिए और हमने भर लिया था, हम इसमें पाके फंस गए, वो काम नहीं होगा भाई।
काफी बेहतरीन डिपार्टमेंट है जहां से मैंने गाइस के बारे में जानकारी ली है, एकदम स्टिक जानकारी ली है। आपको गाइस डिपार्टमेंट में जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, प्रमोशन भी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। अगर आप चाहो 24-25 डिपार्टमेंट्स आप भर सकते हो, अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, 3-4 नंबर कट ऑफ से ज्यादा बन रहे हैं। आपके दोस्तों कितने नंबर बन रहे हैं आप प्लीज सब लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं फ्रेंड्स हेल्थ हेल्थ हेडक्वार्टर में आपकी जॉब आने वाली गाइस। आपका बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है हेल्थ वाला भी, आप इसको चाहो भर सकते हो, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं हायर एजुकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 43 नंबर पे ये आपका जो डिपार्टमेंट देख रहे हो भाई, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी, आप इसको फिलअप कर सकते हो। अब बहुतों के मन में ये आता है कि सर जो हमारा फॉर्म है ये हमें कैसे फिलअप करना है, ठीक है। गाइस ध्यान दीजिएगा, आपकी जो डिपार्टमेंट है 1 से लेके 81 तक है, आप आराम से चेक कर पा रहे हो। मान लो कि दोस्तों मुझे कोई डिपार्टमेंट में फिलअप कर लेता हूँ, मुझे मतलब फर्स्ट नंबर पे डीजी पुलिस को देना है, तो मैंने यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस देखिए, गाइज आप जिस डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे वो आपका फर्स्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ओनली टिक मार्क करना है। अब गाइज मैं कर लेता हूँ बात सेकंड नंबर पे, मैं जो मतलब भाई ये जो आप देख रहे हो 3 नंबर पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिस का मुझे पसंद है, तो भाई ये ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे आ जाएगा। आपको गाइज इस प्रकार से अपना मतलब जो डिपार्टमेंट है चूज करने हैं, खुद फिलअप करने हैं आराम से, आपको गाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कई बार शॉप से भरवा रहे हो तो आराम से अपना फॉर्म फिलअप करवाएगा। मेरे सभी मेरे भाई और मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई आपके एग्जाम्स के लिए। एंड गाइज आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन आए, आप सबको मैं विश करता हूँ कि एक्सपर्ट नॉलेज की तरफ से आपको गाइज बहुत बहुत सारी बधाई कि आपका जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन और अच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई और बहन इस जॉब में लग जाए, ठीक है। गाइज जो आप देख पा रहे हो डिपार्टमेंट आप आराम से फिलअप कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ फिलअप करके, आप दोस्तों जो सा डिपार्टमेंट लास्ट में फिलअप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक आपका जो नंबरिंग चलती रहेगी, आपको दोस्तों ये डिपार्टमेंट फिलअप करने हैं भाई। यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट में देखिए सेव एंड प्रोसीड, अगर आप दोस्तों सेव एंड प्रोसीड कर लेते हो, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ये बात आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबको बस व्यू से मतलब रहता है। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आपकी हेल्प हो सके, मेरे भाई जो मेरे बहन मुझे देख पा रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। भाई देखिए जब आप अपना फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, अगर आप सेव एंड प्रोसीड कर देते हो आप इस फॉर्म को दोबारा ठीक नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। अगर आप अपना फर्स्ट टाइम अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो अच्छी बात है, आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वरना अपना फॉर्म दोस्तों प्रेफरेंस वाला अच्छे से भरें, आप अच्छे से पोस्टिंग डालें यहाँ पे, अच्छे से डिपार्टमेंट फिलअप करें, तो ही आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें, अदरवाइज आप मत क्लिक करें, ठीक है। तो गाइज आपके डिपार्टमेंट भाई आ चुके हैं भाई, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो अपना। जितने मेरे भाई बंधु अब प्रेफरेंस वाला फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत अगेन बधाइयां, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। आपको पता भी होगा गाइज जो हमारे एचएससी के चेयरमैन है भारत भूषण भारती जी ने भी खुद बोल दिया है जो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। अगर दोस्तों हम बात करें रिजल्ट के बारे में, पिछली भर्ती में रिजल्ट जो आपकी भर्ती पिछली बार आई थी उसका जो रिजल्ट है दोस्तों प्रेफरेंस भरने के 1-2 दिन बाद डिक्लेयर कर दिया गया था। अब की बार दोस्तों ऐसा ही होने वाला है, 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो गाइज आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली ही बार आए हो चैनल सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। अगर आप एचएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप एकदम रियल से जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।